हेलो गाइस कैसे हो आप सब तो भाई ये किया अब इसके नाम सोचने में किया वालों ने ज्यादा मेहनत नहीं करी है और भाई इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और सेकेंड जून से ये लॉन्च हो जाएगी तो आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं किया के डीलरशिप पे तीन लाख रुपए देके और अगर आप इसे कैंसिल कराएंगे तो पचास हजार रूपए लेस करके आपको रिफंड मिलेगा अब ऐसा क्यों है वो आपका भाई बताएगा आगे और भाई ये किया की इंडिया में पहली ईवी है ये ह्यूनडाई के ईजीएमपी जी एम प्लेटफॉर्म में बनी है जिसपे ह्यूनडाई Ionic भी बनी है वो भी थोड़े दिन में लॉन्च हो ही जाएगी वैसे अब हिंडा को पता था कि अगर वो आयोनिक पहले लॉन्च कर देंगे तो किया की सेल्स इम्पेक्ट होंगी तो उन्होंने दिमाग लगाया और किया लॉन्च करा तो भाई इसमें में आपको Kia की टाइगर फेसिंग ग्रिल मिलती है ये आपको फ्रंट कैमरा भी दिख रहा होगा क्योंकि इसमें 360 कैमरा आता है इसमें डुअल एलईडी हेड लैम क्लस्टर आएगा ड्राइविंग बीम के साथ आ, क्योंकि भाई इंडिया में आधे लोगों को पता ही नहीं है कब हाई बीम करना है कब लो बीम करना है तो एटलीस्ट इस कार को तो ये चीज पता है अब इसके हेड दोनों तरफ डे टाइम रनिंग एलईडी से सराउंडेड है और ये सिक्वेंशियल डायनेमिक लाइट पैटर्न में है मतलब ये लाइट आपको मूव करती हुई दिखेगी तो भाई हमारे यहाँ पे तो लोग स्विफ्ट में ये चीज लगवाने के लिए करोल बाग जाते हैं अब साइड से इसको कूपे डिजाइन बोल सकते हैं एसयूवी तो नहीं लग रही है लेकिन ये सफारी से भी बड़ी है लेंथ में और भाई इसमें नाइनटीन इंच के डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स आएंगे और भाई ये है फ्लैश डोर हैंडल्स अब भाई अगर इसको देख के कोई कहेगा कि किया ने महिंद्रा को कॉपी किया है तो भाई किया EV6, से पहले लॉन्च हो चुकी थी ग्लोबल मार्केट में लेकिन एक सेकंड ये डोर हैंडल सबसे पहले टेस्ला में आए थे तो इसका मतलब ये किया ने किया क्या तो भाई पीछे से इसका डिजाइन थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगता है बहुत लोगों को अच्छी लगी बहुत लोगों को नहीं लगी लेकिन भाई ये बात तो है कि लोग इसको पलट के देखेंगे क्योंकि इसका रोड प्रेजेंस काफी मैसिव है अब इसका स्पॉलर इस भी बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश है आप इसमें पीछे की तरफ भी आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर मिलेंगे रिवर्स फॉग लैंप रिवर्स एलईडी टेल लैंप्स मिलेगा और भाई इसमें 520 लीटर का बूट स्पेस आता है मतलब इतना कि आप ये लगा लो आप एक नैनो या हो सकता है एस्प्रेसो को भी फिट कर लो इसमें और ऑब्वियसली भाई ये ईवी है तो इसमें आगे इंजन होगा नहीं आगे भी बूट है इसका तो इसमें स्पेस इस तो बहुत ज्यादा है मतलब गाड़ी में सिर्फ चार लोग जाएंगे लेकिन सामान चालीस लोगों का जाएगा और यहाँ पे आपका चार्जिंग पोर्ट लगेगा इसमें सेवेंटी सेवन पॉइंट फोर किलो वॉट का बैटरी पैक मिलेगा और वही इंडिया में अभी अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं है तो आपको वही अपना फास्ट चार्जिंग फिफ्टी किलो का यूज करना पड़ेगा जो की एक घंटा पंद्रह मिनट में इसको फुल चार्ज कर देगा लेकिन हाँ भाई घर वाले चार्जर से कभी मत चार्ज करना क्योंकि जितने पैसे आपने ईवी लेके पेट्रोल से बचाए होंगे वो सारे खर्च हो जाएंगे क्योंकि इसको 36 घंटे लगेंगे फुल चार्ज होने में अब इसका इंटीरियर बहुत ही ज्यादा एडवांस है अब इसका सेंटर कॉन्सोल देख के आपको लगेगा कि शायद आप फ्लाइट के कॉकपिट में हैं। सॉरी ये है, थोड़ा ज्यादा हो गया तो भाई इसमें 12.3 इंच का मैसिव इंफोटेनमेंट सिस्टम आएगा इसमें चौदह स्पीकर आएंगे मेरिडियन का साउंड सिस्टम आएगा मतलब आप इसको लेके जाके शादी में डीजे का भी काम कर सकते हैं इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी है वायरलेस चार्जर है लेकिन इसमें हैरान होने की बात नहीं है हैरान होने की बात यह है कि वो कूलिंग फीचर के साथ है इसमें एम बेड लाइटिंग सेटअप आएगा इसका मतलब आपको पूरी वो डिस्को वाली फील आ जाएगी वैसे सही बताऊँ तो भाई फीचर इसमें दुनिया भर के हैं अगर मैं सारे फीचर बताने लग जाऊंगा तो शायद किया वाले मुझे सेल्स की नौकरी दे, दे देंगे अपने यहाँ आप नाम लो वो फीचर आपको मिलेगा इसमें क्या पेनोरॉमिक सनरूफ ये क्यों नाम ले लिया यार क्योंकि की किया ने अब तक इंडिया की किसी भी गाड़ी में पेनोरॉमिक सनरूफ नहीं दिया है तो ये परंपरा इस गाड़ी में भी कंटिन्यू करिए इसमें भी आपको एक सिंगल पैनल सनरूफ आएगा इस गाड़ी में आठ एयरबैग मिलेंगे अब ये कौन बोला कि ये एयरबैग इसको दो टुकड़ों में बटने से नहीं रोक पाएंगे मजा करूंगा इस तो सेफ्टी में इसमें आठ हेयर बैग वैकल स्टेबिलिटी कंट्रोल एपीएस मल्टी कोल्यूशन ब्रेकिंग सिस्टम हिल असिस्ट ब्रेक असिस्ट एडेस और बहुत सारे फीचर्स आएंगे यार ये बहुत ही काम का फीचर है मल्टी कॉलिशन ब्रेकिंग सिस्टम जैसे कि आप टर्न कर रहे हैं आप जा रहे हैं बहुत स्पीड में और आपके सामने कोई गाड़ी आ जाती है तो अपने आप ही ये गाड़ी को रोक देगा और ये बहुत सारी लग्जरी गाड़ी में भी आपको ये फीचर नहीं मिलता और ये गाड़ी सिर्फ जीटी लाइन वेरियंट में आएगी दो ही पावर ट्रेन के साथ सिंगल मोटर टू व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव डोर मोटर के साथ तो टू व्हील ड्राइव में आपको टू ट्वेंटी नाइन पी एस की पावर मिलेगी और थ्री फिफ्टी का टॉक और थ्री हंड्रेड इंपॉर्टेंट बात ये गाड़ी बाहर से इंपोर्ट होगी इसकी यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगी इस सत्तर लाख रूपए हाँ। और अभी के लिए सिर्फ सौ गाड़ियां आएंगी इंडिया में तो यही रीजन है कि अगर आपने बुकिंग करा ली इस गाड़ी की और आप कैंसिल कराना चाहेंगे तो आपको फिफ्टी थाउजेंड रुपीज माइनस करके रिफंड बुकिंग कराना और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दो और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बाय